राग केदार सुना रहा हूं। Mm-hmm.
Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक हमारे गुरु की चीजें, नन्हे अब्बा हम बोलते थे मेरे गुरु के पिताजी उस्ताद हफीज अहमद खान साहब के पिताजी उस्ताद रशीद अहमद खान साहब, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला, तो एक बंदी सुन की भी बजा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो गाना बजाना मुश्किल है और गायकी अंग बजाना और मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये राग किरवानी सुना रहे हैं, लेकिन मैंने अपने साथ जो संगत करे उनका परिचय नहीं कराया, तो मुझे ध्यान आया कि उनका परिचय कराना चाहिए। मेरे साथ तबले पे हैं उस्ताद अथर हुसैन, जो कि बरसों से साथ में हम लोग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, और इनका प्यार है जो आज हमारे गुरु घराने के हाजिरी में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आजकल गा भी रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका गला सही रहे, अच्छा गाते रहे और तबला भी इनका अच्छा चलता रहे, दोनों चीज़। जैसे मेरा शहनाई और बांसुरी है, इनका भी दो दो फन है, ईश्वर इनको खूब कामयाब करे। मेरे साथ मेरे बेटे राजेश प्रसन्ना हैं, इनको भी आप आशीर्वाद पहले से दे रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं परिचय नहीं करा पाया। तो ये जो बंदिश है राग किरवानी में है, मेरे दादा उस्ताद ने बनाई थी, हमारे इस घराने के सभी बुजुर्ग बड़े और सभी लोग गाते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ। राग किरवानी।
लास्ट भटियाली धुन से खत्म कर रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के सभी लोगों को पसंद है भटियाली धुन, तो कोशिश करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया।